संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की विधियों का वर्णन करें। क्वेश्चन है अभी हमारे पास, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की विधियाँ क्या क्या होती है। तो आइए और जानते हैं हमें कि जो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की विधियाँ हैं ये मुख्य रूप से दो तरह की होती हैं। पहला है हमारा प्रयोगात्मक विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड और दूसरा है कंप्यूटर आधारित विधि यानी कंप्यूटर बेस्ड मेथड। तो आइए और जानते हैं इसके प्रयोगात्मक विधि क्या होती है यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड। इस विधि में संज्ञानात्मक मनोविज्ञानी कुछ चरों में परिवर्तन करते हैं तथा उनके पड़ने वाले प्रभाव के दूसरे चरों पर प्रेक्षण करते हैं। जिन चरों में तोड़ जोड़ या परिवर्तन होता है उसे स्वतंत्र चर तथा जिस चर पर उस परिवर्तन का प्रभाव प्रेक्षण किया जाता है उसे आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किए जाने वाले आश्रित चरों की सूची लंबी है परंतु प्रायः दो घटनाओं पर अधिक बल डालते हैं। पहला है त्रुटियों का पैटर्न यानी पैटर्न ऑफ एरर और दूसरा है जटिल उद्दीपकों के प्रति प्रतिक्रिया समय यानी रिएक्शन टाइम टू कॉम्प्लेक्स स्टिमुले। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन में संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों द्वारा विशेष रूप से जानने की कोशिश की जाती है कि संबंध मानसिक प्रक्रिया को पूरा करने में व्यक्ति किस तरह की त्रुटि किया कर रहा है। जैसे फ्रेमलिन ने एक सटीक उदाहरण इस प्रकार दिया है, मान लिया जाए यदि कोई व्यक्ति किसी संभाषण के एक अंश में एक करंट आर्गुमेंट कहना है उसके बदले में वो गलती से एन रेंट क्रूगमेंट कह देता है। जैसे अपने बच्चे जब सीखते हैं तो उन्हें कुछ बोलना है, जैसे एप्पल को लेपल बोल देते हैं, घड़ी को घड़ी बोल देते हैं, ऐसे कई सारी चीज़ें जो टूटी फूटी भाषाएँ होती हैं, मिलती जुलती भाषाएँ होती हैं। इस ढंग की त्रुटि में हम संभाषण में सम्मिलित संज्ञानात्मक प्रक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण सूचना मिलती है। इस त्रुटि को ध्यान में रखकर कहा जा सकता है ऐसी त्रुटि स्विच के वजह से हुई है। उपस्थित किए गए उद्दीपकों के प्रति प्रतिक्रिया का समय मापन करने में संज्ञानात्मक प्रक्रिया के बारे में जाना जाता है मेयर तथा एस के भानवेडल्ट ने कार्य से इसका एक उत्तम उदाहरण मिलता है। इसकी परिकल्पना यह था कि अर्थ के दृष्टिकोण से संबंधित शब्दों की पहचान और संबंधित शब्दों की अपेक्षा तेजी से होता है, अतः इस प्रतिक्रिया समय तथा संबंधित शब्दों का प्रतिक्रिया समय कम होगा। इस परिकल्पना की जांच के लिए वे प्रायोजकों को संबंधित शब्दों में असंबंधित शब्दों के युग्म को उपस्थित किया, जिससे प्रायोजकों को जल्द से बताना था कि युग्म में दो शब्दों में आपस में साहचर्चित है या नहीं। परिणाम में पाया गया संबंधित शब्दों के प्रायोजकों को 85 मिली सेकेंड उस शब्दों की तुलना में तेजी से पहचान कर लिया जो असंबंधित थे। और दूसरा है हमारा कंप्यूटर आधारित विधि यानी कंप्यूटर बेस्ड। पहला था हमारा प्रयोगात्मक विधि और दूसरा है कंप्यूटर आधारित विधि। इस विधि में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान कंप्यूटर का उपयोग करके संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं एवं संबंधित तंत्रिकीय संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इसका उपयोग सूचना संसाधन उपागम के समर्थक तथा संबंधवादी उपागम के समर्थक दोनों ही करते हैं। किसी समस्या के समाधान में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए कंप्यूटर को विशेष निर्देश दिया जाता है। चूँकि कंप्यूटर मानव मस्तिष्क के समान कार्य करता है अतः आसानी से हमें उसे मानसिक प्रक्रिया के रूप में बारे में पता चल जाता है। इस विधि के दो लाभ हैं, कुछ लाभ होते हैं तो कुछ हानि भी होते हैं और लाभ और हानि भी देख लेते हैं। इस विधि द्वारा अध्ययन करने में शोधकर्ता अपने सिद्धांत को अधिक वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक तरीके से जांच कर पाते हैं। जब कोई मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को कंप्यूटर प्रोग्राम में बदला जाता है तो अस्पष्टता उसे पता चलता है कि उसमें वस्तुनिष्ठता कितनी है। और इसके बाद नेक्स्ट है, कभी कभी कुछ संज्ञानात्मक कार्य जो आपस में
एक दूसरे से काफ़ी भिन्न दिखते हैं। का अध्ययन कंप्यूटर के वैसे प्रोग्राम द्वारा आसानी से कर लिए जाते हैं जो प्रोग्राम के आंकड़े संरचना तथा उनके मौलिक समस्याओं के ख्याल के सामने होते हैं। इससे संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों को यह फायदा होता है कि संज्ञान का एक एकीकृत सिद्धांत के विकास की ओर वे ध्यान देने लगते हैं। इसकी पुष्टि लार्किन ने 2000 में अपने अध्ययन में उन्होंने किया। इसके कुछ अलाभ भी यानी कुछ हानियाँ भी हैं। कुछ लोगों का मत है कि कुछ संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत विस्तृत से कुछ पता नहीं है, तो ऐसी प्रक्रियाओं का अध्ययन कंप्यूटर प्रोग्राम से करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। दूसरा है, कुछ आलोचकों का मत है कि हम कैसे निश्चित कर लेते हैं कि कंप्यूटर स्मृति मानव स्मृति के बिल्कुल समान होता है। इन लोगों का मत है कंप्यूटर सिर्फ वही करता है जो उसे करने के लिए कार्यक्रमित किया गया है, परंतु मानव के साथ इस ढंग का कोई स्पष्ट बंधन नहीं होता है। हम जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर वही करेगा जो उसमें हमने प्रोग्राम में सेट करके रखा हुआ है। और तीसरा है, मानव मस्तिष्क का दैहिक आधार कंप्यूटर का वैद्युतीय क्षेत्र से काफ़ी भिन्न होता है। स्पष्टतम मस्तिष्क तथा कंप्यूटर दैहिक रूप से एक दूसरे से काफ़ी भिन्न भी होते हैं। बात ये भी बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है कि आपको क्षेत्र जो है ये समझ में आ गया होगा, मनुष्य के मनो संज्ञान मनोविज्ञान की विधियाँ।